नांदेड़ के हिंगोली गेट मैदान में एक 23 साल नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल ओमकार के भाई ने मकतूल के दोस्तों पर इस कत्ल का इल्जाम आयद किया है। हिंगोली गेट के करीब वाक़े ग्राउंड में 7 नवंबर की रात दत्तनगर के एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के पीछे मोहब्बत की कहानी बताई जा रही है। मकतूल ओमकार प्रभाकर अलाकोंडे के भाई शैलेश प्रभाकर अलाकोंडे ने इस मामले में वजीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि इसके भाई के दोस्त नरेश और अशोक ने एक नामालूम शख्स के साथ मिलकर उसके भाई का कत्ल किया है। ओमकार पर धारदार मोहल्लिक हथियारों से हमला किया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत जाए हादसे पर ही हो गई। इस मामले में पुलिस ने नंदीग्राम सोसाइटी के साकिन नरेश और अशोक और एक नामालूम शख्स के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। तीनों मुलजमीन मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सिटी DYSP अभिजीत फसगे और वजीराबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर काकड़े ने जाए हादसे का मुआयना किया। वजीराबाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इथे दाखल गुन्हा 396/17 3/2 2/34 या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी शैलेश अलाकोंडे यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याच्यामध्ये मयत ओंकार प्रभाकर अलाकोंडे याला त्याचे मित्र आरोपी नामी नरेश अशोक आणि एक तिसरा अज्ञात आरोपी आहे या तिघांनी जीवानिशी त्याला ठार केलेला आहे। तिघंजण घटनास्थळावरून पसार झाले, त्यांचा शोध चालू असून मारण्याचे नेमके नक्की कारण काय आहे याचा तपासांती शोध लागेल आणि तपास सुरू असून पुढील तपास PSI हराळे पोस्ट वजीराबाद करत आहे। घटना ही हिंगोली गेटला घडलेली आहे आणि आपल्याला माहिती मिळाली 12:45 संध्याकाळी। मयताचं वय 23 वर्ष आहे आणि आरोपींचं एकाचं वय 19 वर्ष आहे, दोघांचं वय माहीत नाही आपल्याला।